ये ग्राम प्रिंसिपल आप लोगों के लिए एक मैसेज भिजवाएंगे, तो ये कॉलेज की तरफ से भी आपको कराया जा सकता है। लेकिन आप जाके खुद कोर्स पर सर्च कीजिए, खुद अपने इंटरेस्ट को देखिए कि आप क्या करना चाहते हैं उसके बाद, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका एक टाइम शेड्यूल दिया गया है कि एग्जाम आपका सितंबर में किसी चीज का होगा, ठीक है, आप पढ़िए। आप अगर एडमिशन लेते हैं जुलाई, ठीक है, जुलाई से सितंबर का टाइम हो गया, आप हो सकता है कि इतना वीडियो नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं तो आप अगले बार भी दे सकते हैं। हो सकता है कि आप इतना ज्यादा उस चीज में घुसे हुए कि आप एक दिन में चार चार पाँच पाँच वीडियो ले रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, आप अपने आप को इतना अवेयर कर दिए, आप तैयारी कर ली, तो आप दो महीने में उस कोर्स को कम्प्लीट कर सकते हैं। तो इट्स ऑलरेडी, मतलब जो कुछ भी है उसमें फिर वो अप टू यू है कि आप कितना जल्दी उसको खुद में अडॉप्ट करते हैं, वो आपके सीखने की क्षमता पर डिपेंड करता है। एक डिप्रेशन दिया जाता है वहाँ स्वयं से कि आप चार फॉर्म भी सबका अलग अलग सर फॉर्म भी मिनिमम फॉर्म भी रहता है और मैक्सिमम आपका 7 वीक 10 वीक ऐसा रहता है। तो एक वीक मतलब 7 डेज, तो मान के चलिए कि एक महीना 2 महीना के पास हो, 2 महीना का कोर्स है और वो डिग्री आपका प्रोफेशनल कोई भी क्वालिटीज है या जॉब में जाते हैं तो उस जगह पे आपका काम आता है वो सारे डिग्रीज। और वो डिग्री ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत लो कैटेगरी, वो डिग्रीज है आपका ग्रेजुएट लेवल का, पीजी लेवल का, तो कोई छोटा मोटा डिग्री नहीं है, बड़ा बड़ा ही। और देखिए इसमें